के फर्टिलाइजर में वापस आई जान, लेवलिंग का काम हुआ पूरा, अब होगा सिर्फ और सिर्फ निर्माण। हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव की विशेष कवरेज। मंगलवार की देर रात कोतवाली के नशे में धुत सिपाही ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी रूम में की तोड़फोड़, मदहोशी में मचाया उत्पात, डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध कर किया सांकेतिक विरोध, आरोपी पुलिस कर्मी हुआ गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इंसेफ्लाइटिस जन जागरूकता रैली को किया रवाना। गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ग्राम स्वराज अभियान के तहत दो गांव के नोडल ऑफिसर पीएन शुक्ला ने किया दौरा। उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने निकाली रैली, मांगों के संदर्भ में सौंपा ज्ञापन। मलिन बस्तियों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी गई जानकारी। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने मनाया परशुराम जयंती, कहा लोकतंत्र की स्थापना में परशुराम का रहा था विशेष योगदान। अक्षय तृतीया पर जमकर हुई सोने और चांदी की खरीदारी, ग्राहकों से पटी रही शहर की प्रमुख ज्वेलरी की दुकानें। सनातन ब्रह्म सभा ने मनाई परशुराम जयंती, जनमानस को परंपराओं से जुड़े रहने की अपील। राप्ती कॉम्प्लेक्स में अतुल्य आयुर्वेदा के फ्रेंचाइजी एवं रिटेल काउंटर का हुआ उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सैनिक बंधुओं की बैठक, उनके शस्त्र लाइसेंस को भी ऑनलाइन करने के लिए दिए निर्देश। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ब्रिजलाल बने यूपी के नए एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष। जल्दी बनेगा टेराकोटा गोरखपुर की पहचान, दूर होगी तकनीकी परेशानियां। और विश्वविद्यालय के एमएससी बॉटनी के अंतिम वर्षों के विद्यार्थियों की हुई विदाई समारोह।